Hello friend, welcome to my channel. In this video I am going to discuss about OIT important topic for math. Let's start about that. तो किसी पिलामन करो मु कमेंट देखली तो से माने मैथ रो इंपोर्टेंट टॉपिक जानिया पई चाहू छंती तो मु प्रीवियस वीडियो रे मु प्रोवाइड करनतली तो एई वीडियो रे मु प्रोवाइड करियो को जाउ छी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर मैथ. तो मैथ इज इक्विवेलेंट टू बायोलॉजी. बायोलॉजी रो जे जे क्वेश्चन जेमती की पढे जे मेजॉरिटी क्वेश्चन ओईवेट रे बायोलॉजी रे को पढी थाए तो सेई भलिया मैथ रो क्वेश्चन मध्य पढी थाए जे माने बायोलॉजी रो स्ट्रीम रो नुहंती तो सेतिपई सेमानको मैथ्र किछि टॉपिक मध्ये कंप्लीट करबाक होबो ओईटी को क्रैक करिया पई. तो सेति मध्ये बहुत गुडीक भास्ट एप्लीकेशन अछि मैथ्र. तो ता मध्ये मु किछि इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडीक मु आपनको बाखरे प्रोवाइड करबाक जाउ छी. तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट. जेमिति कि तुमे एबे देखि परछो 3 डिफरेंट कलर मु एठी रिप्रेजेंट करी छी तुमर सिलेबस को. तो फर्स्ट होछि ऑरेंज कलर रे जेमती की सेट रिलेशन फंक्शन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीग्रल कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्री. ये होची गुटे सेट जेटे की तुमे तुमको फास्ट आगे कंप्लीट करिवा कोबो फास्ट. ओके तो एडा को तुमको फास्ट कंप्लीट करिवा कोबो काहेकि ना मैक्सिमम क्वेश्चन मैट्रिक्स रु पडथाय कॉम्प्लेक्स नंबर रु पडथाय इंटीग्रल कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्रिक. ट्रिगोनोमेट्री तो मोस्ट इंपोर्टेंटली 5 टू 6 क्वेश्चन पडिथाय. तो सेई भलिया तो तुमको एठी ए पार्ट टाकु स्ट्रॉंग करबा कोबा कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीग्रल कैलकुलेशन सेट रिलेशन एटा इजी एंड फंक्शन टिके देखिबो मैट्रिक्स एटा मध्ये इजी. तो सेति पई तुमको एई पार्ट रु टिके स्ट्रॉंग करते हो फर्स्ट. ओके देन तुमे देखि पाछो सेकंड पार्ट रे मु लेखि छी स्काई कलर रे. तो एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन. तो सेकंड पार्ट रे कोन अछि स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी 3D वेक्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रे सब इजी टॉपिक गुडी को मु इंक्लूड करै छी जहाँ फले तुमको सेकंडली ताको कवर करबा को सुविधा हबो. जेमति कि स्टैटिस्टिक तो स्टैटिस्टिक रे इजीली तुमे हेटा किछि फार्मूला जानिबो प्रोबेबिलिटी रे किछि फार्मूला जानिबो तापर तुमे सेटा को अप्लाई करबो तुम एग्जाम रे. ओके तो जेमति वेक्टर रो फंडामेंटल क्लियर हबो वेक्टर केते प्रकार से तार वेक्टर रो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन तो से विषय रे देखिबो जहाँ जे गुडी को तुमरा ओईटी रे पढि थाय. एतिकी मन रख सबुबेले एग्जाम रे फंडामेंटल थिंकिंग गुडी को पचार थे सबुबेले फंडामेंटल थिंकिंग जे गुडी को अल्प समय रे सॉल्व हेई परथुओ विद इन 1 टू 2 मिनिट. ओके तो हेति पई तुमको फंडामेंटली क्लियर हबा दरकार जेमति की परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल जानी नेले तुमे सेठी अप्लाई करि परिवो आउ इजीली इजीली तुमे आंसर दे परियो. जेमती कि गुटे कॉइन को टॉस करले केते थोर हेड केते थोर टेल पड़िबो सेई भळिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेठी प्रोबेबिलिटी रे मध्ये पड़िबो. तो सेई भळिया पड़िबो कॉइन को नै कि किछि क्वेश्चन पड़ि थाय. देन नेक्स्ट पार्ट रे तुमे देखि पाछो किछि ग्रीन कलर रे मु लेखि छि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री टिके हार्ड पार्ट ता कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बायनोमियल थ्योरम एंड एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिमिट्स. तो एई पार्ट को मु काहे कि लास्ट रे रखी छी एटा टिके हार्ड पार्ट तो तुमको करबा को टिके कष्ट होई पारे. तो हति पे आगे फास्ट एई दुईटा पार्ट क्लियर करो फास्ट फास्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को क्लियर करो तापर जाय कि तुमे एई पार्ट टाकु आसीबो. तो बायनोमियल मु मते लागु छी तुमे माने किछि सिलेबस कंप्लीट कर सकथिबो जेहेतु एबे कोरोना वायरस में किछि टाइम पाइछो तो हति पे याकु फुल्ली यूटिलाइज करो प्रैक्टिस करो. प्रथमे फास्ट कोन करबो ना डिफरेंट यूनिट रो डिफरेंट के तुमे गुटे जगह रे तारो फार्मूला लेखो फार्मूला लखी की तारो किछि एग्जांपल गुडे को ट्राई करो. तो जहा पले जेउट को शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल गुडे को ट्राई करबो तो ता पले तुमे एटा को क्रैक करि परबो ओईटी को जेम काहे कि ना मैथ ता गुटे इंपोर्टेंट टॉपिक जे जेमिति बायोलॉजी ओईटी रे बायोलॉजी रु जेति क्वेश्चन पडबो मैथ रु मते सेति क्वेश्चन पडबो जेतु तुमरो बायोलॉजी इंक्लूड नहो. तो सेति पई मु बायोलॉजी रो वीडियो गुडी को एठी अपलोड करे मो नेट रे मो YouTube रे. तो सेति पई कोन तुमको मेन टॉपिक गुडी को मो एठी बाछी देली एई टॉपिक रु ही क्वेश्चन गुडी को बहुत ली पड़ी थाय. तो सेति पई दया करी एई वीडियो रे जहा जहा टॉपिक गुडी को दिया है छि तो सेई टॉपिक गुडी को प्रैक्टिस करो तापरे तुमे मते लागुची निहाती क्रैक करिवो. तो प्रैक्टिस मेक द मेन परफेक्ट. ओके तो जते प्रैक्टिस करिवो सेते परफेक्टली रिजल्ट तुमे पाइबो. जे तु टाइम पाइचो मैथ रे तुमे इन्वेस्ट करिया पाई तो इन्वेस्ट करो रिजल्ट तुमे ओईटी एग्जाम पोरे पाइबो. ओके तो ता परे मते मन पकेबो मो YouTube चैनल को. ओके तो सेति पाई फर्स्ट यूज द टाइम देन यू गेट द स्कोर. ओके
तो आज ही पाएं ये वीडियो को एडिट रखिबा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो थैंक यू, प्लीज वॉच माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।